हेलो रिवन, आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई प्री का मॉक टेस्ट सेट नंबर 5। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 4 सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स रोजाना 8:30 बजे शाम को 50 एमसीक्यू देखते हैं, कवर करते हैं, और जो कि बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा जा रहा है। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स में रेडियोधर्मिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी को कवर करना है, पेज नंबर 209 में देखने को मिलेगा। और उसी तरह से टॉपिक वाइज सीरीज में देखें तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ, महासागरीय जलधाराएं। कई बार इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन एक बार फिर से आपको अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या है, तो विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार और उनके जो विजेता रहे हैं वो आप पढ़ लेंगे। करीब करीब आपको 20 से 30 तो अच्छे से याद रखना ही रखना है, आप अच्छे से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/6। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि 50 क्वेश्चंस में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्कोरिंग फेंस 42+ रहती है तो मान के चलिए कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रखा, ठीक है। यानी सेफ स्कोर के लिए मैं 40 मार्क्स देता हूँ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4th वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रवाहित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बताइए कि बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो किससे ली थी अशोक ने, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था किनके मध्य हुआ था, चंदावर का युद्ध, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी यानी कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तराइन का तृतीय युद्ध, ठीक है, थर्ड युद्ध के बाद में पूछ रहा हूँ, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तराइन का तीसरे युद्ध के बारे में पूछ रहा हूँ, तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैषेध चरित्र या फिर खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जयचंद, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। अकाल तख्त की स्थापना जो किस सिख गुरु ने की थी, तो गुरु हरगोविंद, यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया था, किस सिख गुरु ने, और वो गुरु थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, ये ध्यान रखेंगे, और इन्होंने औरंगजेब के द्वारा जो इस्लाम स्वीकार करने का आदेश दिया गया था इनको इन्होंने ठुकरा दिया था, जिस कारण से आपको पता है कि औरंगजेब जो कि इनके मृत्यु के कारण बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किया था। आदि ग्रंथ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो गुरु अर्जुन को यहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन सी। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 5वें गुरु थे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ये हुआ था, और ये युद्ध 1576 में हुआ था, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, और उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ा सा भी अगर आपको क्वेश्चंस पसंद है तो लाइक ज़रूर करके जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ डेली लाइक करने का, लेकिन आप लोग वीडियो को देख करके चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, ऐसा यार बिल्कुल मत किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लाओ और आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हो, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जिनका वास्तविक नाम क्या था, अली कुरसास्प, ठीक है, 1296 से 1316 तक इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के, खिलजी वंश के जो कि ये दूसरे शासक थे, और उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक फैला था, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है। बताइए जल में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा है,
तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जल में घुलनशील विटामिन एक तो बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स, और एक होता है सी, यानी कि बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, और उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देख ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम होता है Na, और Na का अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा 2 8 1, ठीक है, 2 8 1, यानी कि 2 8 1 11 हो गया टोटल। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी है जिसको आपको पता है, तो बाह्यतम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि अगर पूछा आता है क्वेश्चंस में कि सोडियम परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो वहाँ पर हम एक टिक करते हैं। लेकिन जो कोर होता है यानी कि जो अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे उसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 और 2 कितने हो गए 10। करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है, आपको ये चीज़ पता होगा। जब ये 7 रंगों में विभक्त होता है, ऊपर में सबसे क्या होता है रेड, और नीचे जो होता है वॉलेट, यानी कि ऊपर में लाल कलर, नीचे होता है बैंगनी कलर। जो नीचे होता है वो सबसे ज़्यादा विचलन हो जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसका स्कैटरिंग होता है, छित्र आता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। और जो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग करेगा उसका तरंग दैर्ध्य जो कि सबसे कम होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बैंगनी कलर का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे लाल कलर का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ही इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, तो संकेत यानी कि जो खतरे का सिग्नल होता है इसके रूप में हम लोग यूज़ करते हैं लाल रंग, क्योंकि ये छितराता नहीं इसका कलर, और काफ़ी दूर तक इसका तरंग दैर्ध्य काफ़ी दूर तक जाता है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, या फिर इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा था कि सियाल, सीमा और निफे जो शब्द है किसने इसको विकसित किया था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वेस, ठीक है, स्वेस नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर, तो करेक्ट आंसर होगा महासागर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडेमा, ठीक है, मिक्सोडेमा होता है, मिक्सोडेमा एक प्रकार का रोग होता है, तो मिक्सोडेमा जो होता है वो ऑटोग्रंथि, ठीक है, ऑटोग्रंथि में कमी के कारण ऐसा होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है, एंजाइम मूल रूप से हम कह सकते हैं प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, एक्चुअली ये पायरिया के लक्षण होते हैं, और पायरिया जो होता है वो विटामिन हम कह सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट वन है कि हैजा का क्या कारण है, हैजा जो होता है वो किस विटामिन नहीं किसके कारण होता हैजा, तो हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किस अध्यादेश के द्वारा दी गई थी, अधिनियम के द्वारा दी गई थी, तो 1861 के अधिनियम, यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, जब भी साधारण विधेयक में दोनों सदनों के बीच प्रॉब्लम हो जाता है तो उस वक्त दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, तो बैठक बुलाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, चुक्कर किस खेल से संबंधित जो कि शब्दावली है, किस खेल से शब्दावली है चुक्कर, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चुक्कर हो, बंकर हो, मैलेट हो, चुक्का हो, ये सभी के सभी पोलो खेल से संबंधित है, शब्दावली है,
और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? कालचक्र उत्सव जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन्हें ब्रिटेन वुड जो कि ट्वेंस कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और IBRD, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IMF और IBRD, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कागजी मुद्रा जारी करता है? बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन कागजी मुद्रा को जारी करता है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को सदस्य देशों के लिए कागजी मुद्रा, यानी हम कह सकते हैं एसटीआर का फुल फॉर्म, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को जारी करता है। और IMF की स्थापना जुलाई 1944 में मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? तो वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक जो कह सकते हैं बुल्गारिया के अर्थशास्त्री क्रिस्टीना जॉर्जीवा IMF की प्रमुख है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि वर्तमान में टोटल इसमें देशों की संख्या कितनी है, तो पहले 189 था, लेकिन अब अगर हम बात करें तो 190 हो चुका है, क्योंकि इसमें हाल ही में एक नया देश एंडोरा जुड़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 190 देशों का अब ये संगठन बन चुका है। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में डोडा बेटा जो कि चोटी स्थित है? बताइए कि डोडा बेटा जो चोटी है वो किस में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा नीलगिरी श्रेणी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में एकमात्र खगोलीय पिंड है जिसकी सतही तरल स्थानों जैसे नहरों, सागरों आदि के ठोस प्रमाण पाए गए हैं? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइटन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए, गैनेमिड और गैलिस्टो जो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिख रखा है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रह कौन से हैं? जैसे कह सकते हैं गैनेमिड, कैलिस्टो, यूरोपा और आयो, ये चारों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बिजली उत्पादन सेट से लैस गुजरात की निम्नलिखित विद्युत परियोजना कौन सी है? तो गुजरात की यहाँ पे विद्युत परियोजना हो जाएगा उकाई परियोजना, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, उकाई परियोजना किस नदी पर है, कमेंट्स करके बताइएगा। अगला पॉइंट्स, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष में की थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा जो कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष में की थी? 1940 में, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, 1940 में। जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम से संदर्भ में सही है? तो देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सही जो होगा वो बिल्कुल पहला पॉइंट करेक्ट है कि इसने मशीनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाज़त दी थी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स ए करेक्ट होगा, इसको आप याद रखेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा मशीनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाज़त दी गई थी, तो 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय नामक संस्था का गठन जो कि सबसे पहले 1862 में हुआ था, बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 231 तक के उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों की बात कही गई है, ये भी सही है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण जो कि संसद करती है, ये पॉइंट गलत है, संसद नहीं करती, राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो कि गलत दिया गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 14वें जो भाग है उसमें ये बात कही गई कि संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में, और अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत ये आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, और ये हाल ही मनाया गया 7 अप्रैल को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मिनीमता रोग पानी के प्रदूषण से होता है, बताइए मिनीमता जो रोग है वो किसके कारण होता है? मिनीमता रोग पानी का प्रदूषण है तो किसके कारण होता है? तो पारायुक्त जल अगर कोई पीता है तो उसके कारण, जो कि पारायुक्त जल मिनीमता रोग का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वनाकोबरी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में कोयला आधारित बिजली स्टेशन है? वनाकोबरी, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात।
संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? मैं बहुत जल्द इस ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सेपरेट वीडियो। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो NCTE का पूर्ण रूप होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की कजली खालिस्तान के दौरान गाया गया एक गीत है, यानी कजरी जो है वो डैश के दौरान गाया गया एक गीत है बरसात के मौसम में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया था? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें कन्फ्यूजन्स में अलग अलग आंसर टिक कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम बात की जा रही है तो उन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग किया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर भारत ने पूछा था सबसे पहले तो वहाँ पर हम चंपारण को टिक करते हैं, तो फिलहाल सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी कि ICCR द्वारा संस्कृत सिखाने हेतु विकसित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लिटिल गुरु, ऑप्शन ए करेक्ट है, लिटिल गुरु। नेक्स्ट वन देखिए कि इसरो द्वारा भारतीय उपग्रहों के मलबे के संबंध में अंतरिक्ष में प्रस्तावित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? इस प्रणाली का नाम है प्रोजेक्ट नेत्र। आगे देखिए, वह देश जहां तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 आयोजित की जाएगी। एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कहाँ पे? चीन में किया जाएगा, डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन की हेलसिंकी सम्मेलन किस सागर के समुद्री पर्यावरण के संरक्षण हेतु आयोजित किया जाता है? हेलसिंकी सम्मेलन, तो देखिए हेलसिंकी सम्मेलन की अगर बात करें तो ये बाल्टिक सागर से संबंधित है, यहाँ पे ए करेक्ट होगा। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बाल्टिक सागर क्षेत्र 1992 में हेलसिंकी कन्वेंशन जो हुआ था, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण पर सम्मेलन बाल्टिक सागर के प्रदूषण की रोकथाम और उन्मूलन के लिए विभिन्न उपायों को शामिल करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ए को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारत किस वैश्विक संघ के साथ अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत करने जा रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते पर, तो सही आंसर यूरोपीय संघ, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, अच्छे से पढ़ करके बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है पर्णहिता, इंद्रावती और पूर्णा, ये तीनों के तीनों गोदावरी की सहायक नदी है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है, सातकर्णी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन हेराल्ड का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन हेराल्ड के संस्थापक की बात करें तो 1795 ईस्वी में दो लोगों ने इस समाचार पत्र को संस्थापक यानी कि लॉन्च किया था, एक तो थे आर विलियम्स और दूसरा नाम था हेम्फ्री, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकते थे अगर आपको अच्छे से नहीं याद है तो। गुप्त संवत की स्टार्टिंग कब से की गई थी? तो अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया है तो आपने बिल्कुल गलत आंसर को टिक किया है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 320 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की स्टार्टिंग की थी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को कवर किया। अब जल्दी से कमेंट्स कीजिए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही, कितना आपने स्कोर किया, क्या आप सेफ स्कोर से पार कर पाए हैं, सेफ स्कोर के अंडर है, जो भी हो आप कमेंट्स करके बताएगा। वीडियो कैसे लगे ये ज़रूर बताया करें ताकि हम अगले वीडियो में जो भी हो प्रॉब्लम उसको हम सुधार कर सके ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्यूज का क्वेश्चन ये है कि थायमिन क्या है, कौन से विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम है, कमेंट्स करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।